मध्य प्रदेश में अपने ही सर्वे में हारी बीजेपी। सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने से डरी पार्टी, 100 के अंदर सिमटती दिख रही है सत्ताधारी पार्टी। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं की नींद उड़ी हुई है, सत्ता हाथ से फिसलती दिख रही है। पार्टी के इंटरनल सर्वे ही बता रहे हैं कि हालात 2018 से भी ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। स्थिति नहीं सुधारी गई तो सत्ता हाथ से फिसलना तय है। राहत बस इतनी है कि हालात कर्नाटक जितने खराब नहीं है, मामला संभल भी सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक करना होगा। जिस तरह से पार्टी के नेता ही उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, उससे तय माना जा रहा है कि हालात संभालना आसान नहीं है। इन सब के बीच पार्टी के सर्वे ने बीजेपी हाईकमान की भी नींद उड़ा दी है। सर्वे में पार्टी को 95 करीब सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद पार्टी हाईकमान हैरान है। इससे पहले कर्नाटक चुनाव से 2 महीने पहले जब बीजेपी ने सर्वे कराया था तो कर्नाटक में उसे 60 से 65 सीटें मिलती बताई गई थी और परिणाम भी लगभग वही थे। पार्टी को 66 सीटों पर जीत मिली थी और इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले कराए गए सर्वे में पार्टी 100 के अंदर सिमटती दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी ने नए सिरे से रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने कांग्रेस के गढ़ पर फोकस किया है। जिन सीटों पर पार्टी पिछले 3 चुनाव या उससे ज़्यादा समय से जीत नहीं पा रही है, वहाँ फोकस बढ़ाया गया है। इन सीटों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का विधानसभा क्षेत्र लहार, गुना जिले का राघोगढ़ जहां से दिग्विजय के बेटे जयवर्धन सिंह की सीट शामिल है, इसके अलावा खरगोन जिले की कसराबाद सीट जहां पर सुभाष यादव के बेटे सचिन यादव विधायक हैं, और भोपाल उत्तर सीट जहां से आरिफ अकील जीत कर आते हैं। ऐसी सीटें 36 है जहां बीजेपी लंबे समय से नहीं जीत पाई है। ऐसे में कांग्रेस के मजबूत नेताओं को उनके ही गढ़ में घेरने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। इन नेताओं के खिलाफ प्रत्याशी चयन से लेकर तमाम बातों पर ध्यान रखा जा रहा है। खासतौर पर पार्टी में कोई बगावत ना हो, इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जिस तरीके से साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अमेठी में राहुल गांधी को हराया था, उसी तर्ज पर अब मध्य प्रदेश की सीटों पर बीजेपी कुछ कांग्रेस के दिग्गजों को हराने की रणनीति पर काम कर रही है। इन सीटों पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता उतार कर कांग्रेस को टक्कर देने के लिए माहौल तैयार करेगी। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने विकास के लिए क्या काम किए, इस तरह के विषय पर स्पेशल कैंपेन चलाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने का मुकाबला होता रहा है। दोनों ही पार्टियों के पास 80-80 सीटों का बेस है, यानी इतनी सीटों पर दोनों ही दल बेहद मजबूत हैं। अगर उम्मीदवार का चयन सही किया जाता है तो दोनों दलों के हिस्से में 80-80 सीट आना तय माना जा रहा है। ऐसे में बहुमत तक पहुंचने के लिए 36 सीटों की जरूरत और है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 116 का है। जो भी दल 116 सीटें हासिल करेगा वही सरकार बनाएगा। बीजेपी के एक सीनियर लीडर कहते हैं, मुख्यमंत्री, प्रदेश संगठन और हाईकमान तक लगातार अपना अपना सर्वे करवा रहे हैं। इनके आंकड़े तो हमें पता है, पर वे ऐसे नहीं हैं कि हम आपसे शेयर कर पाएं। अभी तो सीटें 100 के अंदर ही आती दिख रही हैं, इसलिए इस बड़े पैमाने पर विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। कांग्रेस के प्रभाव वाली सीटों को जीतने के लिए बीजेपी गुजरात फार्मूला, हर बूथ पर 51% वोट शेयर प्राप्त करने के फार्मूले को अपनाएगी। इसके साथ उत्तर प्रदेश के फार्मूले और योजनाओं के जरिए जनता से कनेक्ट होने पर काम भी कर रही है, जिससे इन सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सके। हालांकि भले ही 2003, 2008 और 2013 में बीजेपी जीत दर्ज कर सत्ता पर काबिज हुई हो, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी कांग्रेस को हरा नहीं पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।